गुजरात प्रचार पर गए मध्य प्रदेश के किसान नेता और कृषि मंत्री कमल पटेल ने श्री नारायणपुरम तीर्थस्थल की पहली शिला रखी। ये तीर्थस्थल गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास है, जो कि मां नर्मदा और ताप्ती के संगम पर है। इस मौके पर कमल पटेल ने कहा कि भगवान श्री नारायण के विषय में हमारे गुरुजन ग्रंथ और वेद पुराण में बताया जाता है, जब से ये ब्रह्मांड और आकाश गंगा है तब से हमारे आराध्य देव भगवान विष्णु है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास शहादा नामक स्थान पर श्री नारायणपुरम तीर्थ स्थल का उदय हो रहा है। इस तीर्थ की प्रथम शिला रखने का मौका गुजरात प्रचार पर गए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल को मिला। मंत्री पटेल ने तीर्थ के प्रमुख संस्थापक लोकेशानंद महाराज साध्वी मां कनकेश्वरी देवी के सानिध्य में वेदों मंत्रोच्चार के साथ मंदिर निर्माण की पहली शिला रखी। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भगवान श्री नारायण के विषय में हमारे गुरुजन ग्रंथ और वेद पुराण बताते हैं कि ब्रह्मांड और आकाश गंगा के समय से हमारे आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। इस उदय तीर्थ की स्थापना का जो प्रकाश प्रज्वलित होगा वह हमारे राष्ट्र और समाज के लिए एक अमृत साबित होगा। इस उदय तीर्थ से जो धर्म का प्रकाश देश के नागरिकों तक पहुंचेगा उससे राष्ट्रभक्ति धर्म शक्ति के साथ सशक्त भारत की परिकल्पना साकार होगी। वहीं तीर्थ की नींव रखने वाले श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक आचार्य सदगुरु लोकेशानंद महाराज ने कहा कि कलयुग में जिस प्रकार धर्माडंबर की आड़ में लोगों ने व्यक्ति पूजा को महत्व दिया है ये ठीक नहीं है। धर्म में व्यक्ति नहीं सनातन श्री नारायण की पूजा होना चाहिए। आज श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ शहादा धाम में जो महान तीर्थ बन रहा है उसका प्रथम शिला का स्थापन किया गया है। आज सभी विष्णु भक्तों ने बहुत आनंद के साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया और यहाँ 7 दिनों तक ये उत्सव चल रहा है, 18 तारीख से 24 तारीख तक। उसमें आज 20 तारीख रविवार एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ की यह दिव्य शिला स्थापित की गई है। इसमें सभी दूर से भारतवर्ष से और विदेशों से यहाँ विष्णु भक्त आए हैं और सभी ने दर्शन का और इस परम सौभाग्य का लाभ लिया। इस तीर्थ की ओर से भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण करें, सबको आशीर्वाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।